सो हेलो गाइज यार, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो एट वेल, तो थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट यार। आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिखा दिया पिछली वीडियो में, और जो हमारा सर्वर है ना, उसमें 20 से 30 बंदे मतलब कॉन्स्टेंट खेल रहे हैं यार दिन भर। सो यार, आप भी हमारे सर्वर को ज्वाइन कर सकते हो, आपको आईपी पोर्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर से आईपी पोर्ट ले सकते हो। और यार, हमारे डिस्कॉर्ड पर भी 200 प्लस मेंबर्स हो चुके हैं। सो यार, थैंक यू सो मच यार डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करने के लिए भी, और डिस्कॉर्ड का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप भी हमारे मेंबर बनना चाहते हो तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ सारे सारे बंदे एक साथ सबके सब गेम खेलते रहते हैं माइनक्राफ्ट में, सबके सब वहीं से वॉइस चैट में बैठे रहते हैं सबके सब बंदे। सो आप भी वहाँ उनके साथ खेल सकते हो, या फिर मेरे साथ खेल सकते हो वहाँ। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। तो चलो यार, बातें आज की वीडियो के टॉपिक पे। आज की वीडियो में आपको बना के दिखाने वाला हूँ माइनक्राफ्ट 1.19 जावा एडिशन के लिए एक आयरन फार्म। सो यार, सबसे बेस्ट होने वाला है, और इसके अंदर जो आपको आयरन मिलेगा ना पर आवर, बहुत ज़्यादा मिलेगा मतलब नॉर्मल वाले से। सो यार, जो ये वाला फार्म है, ये हमारे सर्वर में भी वर्क करेगा, बिल्कुल परफेक्ट वर्क करेगा, सब इसे वहाँ भी बना सकते हैं। सो चलो यार, वीडियो को बना के तरीके स्टार्ट करते हैं। सो यार, सबसे पहले तो ये है हमारे सारे का सारा सामान जो हमारे इस फार्म में यूज़ होने वाला है। सो यार, मैंने तो स्टोन ब्रिक्स लिए हैं, लेकिन आप उसकी जगह कोई और सॉलिड ब्लॉक ले सकते हो, कोबल स्टोन यूज़ कर सकते हो आप उसकी जगह। सो यार, आयरन फार्म के लिए आपको सबसे पहले एक बढ़िया सा एरिया चूज़ करना पड़ता है, इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आपके फार्म पे। सो आपको सबसे पहले एक मस्त सा प्लेन सा एरिया ढूंढना है, जो थोड़ा सा विलेज से थोड़ा सा दूर हो, ज़्यादा विलेज के अंदर। सो अगर ज़्यादा विलेज के अंदर बनाओगे तो अच्छे से फार्म वर्क नहीं करेगा, तो इसलिए आपको फार्म को विलेज से थोड़ा दूर बनाना है। आप समझ के चलो, मतलब 100 से ज़्यादा ब्लॉक दूर, ताकि अच्छे से आपका प्रोडक्शन हो आयरन गोलम्स का। सो यार, जैसे आप उसका एक मस्त प्लेन एरिया भी ढूंढ लेते हो अपने विलेज के बगल में, सो अब आपको स्टार्ट करना है बिल्ड करना। सो फर्स्ट आप करोगे क्या, आपको लेनी पड़ेगी कोई भी सॉलिड ब्लॉक, उसका आपको 5 ब्लॉक की हाइट पे ले आना है। फिर उसके बाद आपको 4 ब्लॉक और बिल्ड करना है एक साइड के लिए, फिर उसका 2 ब्लॉक और फिर आपको जो आपका रेक्टेंगल बना उसको आपको कंप्लीट कर देना है। फिर आपको अपना रेड स्टोन रिपीटर, रेड स्टोन टॉर्च और रेड स्टोन को यूज़ करके, जैसे मैं बना रहा हूँ सेम टू सेम स्ट्रक्चर, या फिर आप कह लो फंक्शनिंग, आपको सेम टू सेम वैसे ही बनाना पड़ेगा। सो यार, एंड में आपको वहाँ पे एक पिस्टन लगानी है, और पिस्टन लगाने के बाद आपको लीवर को ऑफ कर देना है। जैसे आप लीवर ऑफ करते हो, आपको सारे के सारे जो रिपीटर हैं उनको आपको 4 टिक पे कर देना है, या फिर 3 टिक होता है जो एंड पे कर देना है, मतलब जैसे मैं कर रहा हूँ सेम टू सेम आप वैसे ही कर देना। और फिर आपको उन्हें फिर से सॉलिड ब्लॉक लेना है, और पिस्टन के एक ऊपर लगा के उसको ब्रेक करके, और फिर उसके आगे के 3 ब्लॉक फिर से उसमें बिल्ड करने हैं। तो यहाँ पे आपके 8 ब्लॉक्स आएंगे ऊपर से, और वो पूरा पूरा कवर कर लेंगे। सो इसके बाद आपको अपने जो पिलर था आपका, उसको आपको लैडर लगानी है, और फिर आपको ऊपर आने के बाद अपने बेड लेने हैं 3, कोई भी कलर के ले सकते हो, कैसे बेड ले सकते हो, बेड लेने हैं आपको। तीनों बेड को साइड बाय साइड लगा देना है जैसे मैं लगा रहा हूँ। फिर आपको लेना है कंपोस्टर, फिर कंपोस्टर जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, साइड बाय साइड 3 कंपोस्टर आपको लगाने पड़ेंगे। फिर आप जैसे कंपोस्टर लगा देते हो, फिर आपको कंपोस्टर के ऊपर से लगाने पड़ेंगे ट्रैप डोर्स। मैं तो वुडन के कर रहा हूँ, तो आप भी वुडन ही के यूज़ करना, वो ज़्यादा मतलब ईजी टू फाइंड रहते हैं। सो जैसे आप वुडन के ट्रैप डोर को भी लगा देते हो, उसके बाद आपको अपने कंपोस्टर के साइड से एक 5x5 का, जैसे मैं एरिया बिल्ड कर रहा हूँ, मतलब एक 5x5 की बाउंड्री जो मैं बिल्ड कर रहा हूँ, आपको सेम टू सेम वैसे बिल्ड करनी है। और लास्ट में आपको 3 ब्लॉक सामने की साइड से छोड़ देना है, क्योंकि वहाँ पे हमारी चेस्ट आएगा। सो वहाँ पे आपको चेस्ट लगानी पड़ेगी, सो आपको डबल चेस्ट लगानी, जैसे मैं लगा रहा हूँ क्राउच करके, आपको डबल चेस्ट लगा देनी है। और फिर वहाँ पे आपको एक डर्ट प्लेस करनी है, सो आपको वहाँ पे एक डर्ट के ऊपर 2 और डर्ट प्लेस करनी है, तो वहाँ पे 3 डर्ट आ जाएंगी। फिर उन डर्ट के हमें बाहर की साइड से, जैसे मैं ट्रैप डोर लगा रहा हूँ ना, आपको भी वैसे ही ट्रैप डोर लगाने पड़ेंगे। और फिर आपको डर्ट को रिमूव कर देना है, और ट्रैप डोर को क्लोज कर देना है। फिर उसके बाद आपको ट्रैप डोर के बगल से पूरा 2x2 का एरिया, जैसे मैं कवर कर रहा हूँ ग्लासेस और स्टोन ब्रिक से, आपको वैसे ही कवर कर लेना है। सो यार, जैसे आप मतलब पूरा का पूरा एरिया कवर कर दो, उसके बाद आपको चेस्ट के ऊपर एक हॉपर लगाना है, और एक चेस्ट और रख देनी है जैसे मैं लगा रहा हूँ। फिर आपको स्टेयर को कनेक्ट कर देना है हॉपर से, ताकि हमारा जो चेस्ट है वो खुल सके। और तो आपको स्टेयर के ऊपर एक और ब्लॉक लगा देना है, और फिर आपको हमारी चेस्ट के ऊपर एक और हॉपर लगाना है। फिर उसके ऊपर पीछे से आपको 3 हॉपर और कनेक्ट कर देना है। अब आता है ईजी पार्ट, आपको ऊपर का एरिया जितना ना ऊपर ऊपर कवर कर लेना है ब्रिक से, या फिर जो भी आपका सॉलिड ब्लॉक है उससे कवर कर लेना है आपको ऊपर का एरिया पूरा। सो यार, जैसे अब आप इतना काम पूरा करते हो ना, अब आ रही आती है हमारे विलेजर लाने की। सो अब आपको विलेजर ला के रखने, पहले से 3 विलेजर इसमें आपको, इसमें 3 विलेजर्स की ज़रूरत पड़ेगी। सो आपको 3 विलेजर ला के रखने पहले से, और उनको जैसे मैं भेज रहा हूँ, आपको भी ऐसी एक मतलब स्टेयर्स बनानी पड़ेंगी डर्ट की, ताकि आप उनको वहाँ पर पूरा पूरा सप्लाई कर सको विलेजर्स को। सर, विलेजर को अंदर भेजने के लिए आपको टॉप लेयर से कुछ ब्लॉक्स को आपको ब्रेक करना पड़ेगा, ताकि विलेजर अंदर जाके अपनी जॉब ले लें। और जैसे आप विलेजर को अंदर भेज देते हो, आपको पूरा डर्ट का जो रास्ता आपने बनाया था विलेजर्स के लिए, उसको आपको ब्रेक कर लेना है। फिर उसके बाद आपको विलेजर्स के जहाँ हैं, आपको वहीं अंदर जाने के बाद
ऊपर से आपको जो टॉप लेयर थी आपको उसको क्लोज कर लेना है। फिर आपको तीन ट्रैपडोर लेने हैं, जैसे मैं प्लेस कर रहा हूँ सेम टाइम आपको वैसे ही प्लेस करना है। सो आप देख लेना मैं कैसे प्लेस कर रहा हूँ, क्राउच कर लेना, फिर आपको ट्रैपडोर प्लेस करना है। फिर आपको वहीं सामने से हल्का सा स्नीक करके आप वहाँ से निकल जाना बाहर। सो अब आपको आना है टॉप लेयर पे, और फिर जैसे मैं टॉप लेयर के साइड से आपको वॉल लगाते हुए दिखा रहा हूँ, 7x7 की वॉल बनेगी हमारी पूरी, तो उसका आपको पूरा 7x7 एरिया कवर कर लेना है। फिर जो हमारा सेंटर हॉपर होगा उससे आपको 2 वॉल्स आपको अप बिल्ड करना है, और फिर जो ऊपर वाली वॉल होगी उसमें आपको 4 साइन बोर्ड लगाने हैं, जैसे मैं लगा रहा हूँ, आप देख लेना कैसे लगा रहा हूँ मैं। सो आपको 4 साइन बोर्ड लगाने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आपको 2 ब्लॉक और बिल्ड करने के बाद जो आपने जो 4 साइन ब्लॉक्स लगाए थे, मतलब 4 जो आपने साइन बोर्ड लगाए थे, उनके ऊपर आपको 4 और लगाने पड़ेंगे। तो इसके बीच में हमारा लावा आने वाला है, और साइन बोर्ड लावा को यहाँ से गिरने से रोक देंगे। सो फिर आपको अपनी 2 वाटर बकेट लेनी है, और दोनों वाटर बकेट को 2 कॉर्नर में डाल देना है। तो ये हमारा किलिंग चैम्बर बन चुका है, जहाँ पे गोलम आएगा और मरेगा। सो अब हमारा लास्ट काम बचता है ज़ॉम्बी लाने का, और बाकी सारा का काम पूरा हो चुका है। सो अब ज़ॉम्बी लाने के लिए आपको पहले एक ट्रैपडोर तोड़ना है और नीचे की लेडर तोड़नी है, और जैसे प्लेटफॉर्म मैं बना रहा हूँ आपको वैसे ही करना है सेम टू सेम। तो ये प्लेटफॉर्म मतलब आपके बचने के लिए होगा यहाँ पे, जब आप ज़ॉम्बी को यहाँ पे लाओगे। सो आप ज़ॉम्बी को या तो नेम दे सकते हो कोई भी नेम टैग से, या फिर आप उसके हाथ में कोई भी एक ब्लॉक दे देना ताकि वो डिस्पॉन ना हो और आपका फार्म बीच में ही रुके ना। सो यार ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, भूलना मत। तो यार मैं तो ज़ॉम्बी को ऐसे एक नेम दे देता हूँ नूब का, क्योंकि ये नूब ही है यार असली में। अबे साले तभी तो मैंने इसको नूब का नेम दे दिया है। अब मैं सर्वाइवल मोड में आ चुका हूँ। सो सर्वाइवल मोड में आते ही ये मेरे पीछे आने लग जाएगा, सो मैं ऐसे फटाफट से भाग जाऊँगा। और ये सो आपको उसी ब्लॉक पर चढ़ना है जो मैंने अलग से वहाँ पर बनाया था, और फिर आपको उस ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक बिल्ड करना है 2 ब्लॉक्स हाई। तो ज़ॉम्बी आप तक पहुँच नहीं पाएगा, फिर वो विलेजर की साइड चले जाएगा। तो जैसे ही वो विलेजर की साइड जाएगा आपको उस पर एक हिट मार के आपको उसके बाहर पूरा का पूरा एरिया ब्लॉक कर देना है, जैसे मैंने किया सेम टू सेम। तो अब हमारा ज़ॉम्बी अंदर बंद हो चुका है। सो आपको अपना जो ब्लॉक आपने ऊपर लगाए थे उनका को तोड़ना है, और नीचे आने के बाद वहाँ पे जो ट्रैप डोर है थर्ड वाला वो दोबारा से प्लेस कर देना है। सारे के सारे जितने आपने बनाए हैं ना स्टेयर्स, ये सबको तोड़ना पड़ेगा डर्ट की, वरना जैसे ये दूसरा ज़ॉम्बी ऊपर आ रहा है ना, ये आपके भी ऐसे आते रहेंगे ज़ॉम्बीज ऊपर। और स्टेयर्स लगाने के बाद जो आपने लीवर बनाया था ना, उस लीवर को भी आपको टर्न ऑन कर देना है, ताकि जो आपकी पिस्टन है वो वर्क करती रहे और ज़ॉम्बी ऊपर नीचे होता रहे। सर ये हो चुका है आपका फार्म पूरा का पूरा कंप्लीट। सो मैं आपको दिखा देता हूँ उसकी वर्किंग। सो देख लो यार, जैसे मतलब मैंने स्टार्ट किया ऊपर से आयरन गोलम भी आ चुका है। सो यार मतलब अगर आपका कभी कभी फार्म अगर आपका काम करना बंद कर देता है, मतलब ऐसे नॉर्मली नहीं होता है, लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि हमारा फार्म काम नहीं कर रहा है, सो आपको क्या करना है, ज़ॉम्बी के ऊपर से आपको एक ब्लॉक लगा देना है कोई भी सॉलिड या फिर ग्लास लगा देना, ताकि ज़ॉम्बी उछल ना पाए वहाँ से। और फिर ज़ॉम्बी वहीं पर रहेगा तो विलेजर्स कुछ टाइम तक उसे देख नहीं पाएंगे। सो इससे क्या होगा कि विलेजर्स थोड़ा नॉर्मल बिहेव करने लग जाएंगे, और फिर कुछ टाइम बाद या फिर 10-15 मिनट बाद आपको उसे तोड़ देना है फिर से ब्लॉक को, तब हमारा जो फार्म है फिर से फुल्ली एफिशिएंट हो जाएगा। सो आप देख ही सकते हैं मैंने फार्म मतलब अभी भी बनाया, और पीछे अभी से मतलब आयरन गोलम आने पर लगे हुए हैं, मरने पर लगे हुए हैं। सो मतलब आप इसके एफिशिएंसी का पता लगा ही सकते हो कितना एफिशिएंट होने वाला है ये फार्म। सो यार थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो यार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, और इस वीडियो में मैं लाइक नेम रखना चाहूँगा 100 लाइक्स का। सर मुझे पता है थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी 100 लाइक्स का हमने इसमें लाइक नेम रखा है। सो प्लीज़ यार कंप्लीट कर देना इसे फटाफट से। और अगर आप चैनल पर नए हो तो यार फटाफट से एक बार सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि हमें 3000 सब्सक्राइबर्स बहुत जल्दी पूरे करने हैं, तो इसलिए फटाफट सब्सक्राइब कर दो। और यार आप हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो यार चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।